PSL 2021 के रिमेनिंग मैचेस का पहला मैच स्टार्ट होने वाला है। चंद घंटे बाकी हैं जहां दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है। प्लेइंग 11 कौन सी टीम जीतेगी, तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। नंबर वन कोरिन मंड्रो इस्लामाबाद की जानिब से ओपनर, नंबर टू उस्मान ख्वाजा ओपनर, नंबर थ्री आर राउंडर हुसैन तलत, नंबर फोर आर राउंडर कैप्टन शद्दाब खान, नंबर फाइव आर राउंडर एक्सपीरियंस मैन इफ्तिखार अहमद, नंबर सिक्स विकेट कीपर बैट्समैन रोहिल नज़ीर, नंबर सेवन आर राउंडर फहीम अशरफ, नंबर एट आर राउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर, नंबर नाइन आर राउंडर जफर गोहर, नंबर टेन बॉलिंग आर राउंडर हसन अली और लास्ट पे नंबर 11 फास्ट बॉलर मूसा खान। चलिए अब डिस्कस करते हैं लाहौर कलंदर्स की प्लेइंग 11। नंबर वन लेफ्ट हैंडेड लेफ्टिनेंट ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान, नंबर टू कैप्टन सोहेल अख्तर, नंबर थ्री प्रोफेसर एक्सपीरियंस मैन आर राउंडर मोहम्मद हफीज, नंबर फोर फॉरेन प्लेयर हार्ड हिटर टिम डेविड, नंबर फाइव आर राउंडर जेम्स फोकनर, नंबर सिक्स आर राउंडर राशिद खान, नंबर सेवन यंग माज खान, नंबर नाइन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, नंबर टेन फास्ट बॉलर शाहीन शाहफरीदी और नंबर 11 फास्ट बॉलर दिलबर हुसैन। लास्ट पे मैंने मिस किया जानबूझ के, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्योंकि इंजर्ड हो चुके थे बैन डंक की अब क्या सिचुएशन है, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई जिसके बाद ये हॉस्पिटल टाइम इन्होंने स्पेंड किया, तो ये रेडी हो चुके हैं। ये लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है उसने खुद ऐलान किया कि ये पहला मैच ज़रूर खेलेंगे, ये फिट हो चुके हैं, यानी इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेजमेंट चाहिए कितनी बड़ी इंजरी होने के बाद क्रिकेट खेलें। और आप जानते हैं कि ये मैच विनर है लाहौर कलंदर्स की जानिब से, अगर ये एक इनिंग्स में चल जाएँ तो सिंगल हैंडेडली वो मैच लाहौर कलंदर्स जीत जाएगी। सो ये काफ़ी बेस्ट पॉइंट है लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए। अब डिस्कस करते हैं कि ये मैच कब शुरू होगा। ये मैच रात को 9 बजे शुरू होगा और आप PTV स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकेंगे पाकिस्तान के अंदर। अब देखते हैं कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। देखें अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के पास स्पिनर्स लैक करते हैं, यानी राशिद खान है लाहौर कलंदर्स की टीम में और यहाँ शद्दाब खान या जफर गोहर दूसरी टीम में मोहम्मद हफीज़ हैं, तो यहाँ इफ्तिखार अहमद। सो अगर देखा जाए कि UAE की कंडीशंस, तो फास्ट बॉलर्स के लिए 2-3 ओवर्स करना भी मुश्किल होगा, इतनी हीट है वहाँ पे। स्पिनर्स ही मैच जितवाएंगे, जो टीम स्पिनर्स को अच्छा यूज़ करेगी वो टीम मैच जीत जाएगी।